Hey guys, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग जा रहे हैं मनाली। वैसे आज मैंने गेमिंग छोड़ी है, मतलब अभी के लिए छोड़ी है। अभी यार 2-3 दिन का टूर होगा या 5 दिन का टूर होगा, वीडियो आएगी क्योंकि मैंने वीडियो लगा दिया आराम से, तो वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। और बात करते हैं भाई पैकिंग की, तो भाई कम से कम 5 से 6 बैग हो चुके हैं और अभी हमें बहुत दूर जाना है जहाँ पर हमारी बस आएगी। आई थिंक फ्लिक्स बस है। बाकी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या पैकिंग की है। और मुझे पता है कि मैं गेमिंग चैनल के ऊपर ब्लॉग डाल रहा हूँ, ट्राई करके देखते हैं यार ब्लॉग चलेगा नहीं चलेगा। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। और मैं तुम्हें पूरी चीज़ें बताता रहूँगा, कहाँ जा रहे हैं, किधर की साइड है, सारी डिटेल होने वाली है। और मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसा ब्लॉग बना रहा हूँ या क्या बना रहा हूँ, बट यही है भाई अपना फर्स्ट ब्लॉग। और अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम लोग क्या क्या चीज़ें लेकर जा रहे हैं। और आप लोग मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना कि हमें गेमिंग चैनल के ऊपर ब्लॉग्स वगैरह डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, क्योंकि मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग डाल रहा हूँ ये। और मुझे नहीं पता कि यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन ट्राई करके देखते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। और बाकी फैमिली वगैरह जा रही है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो उनका वेट भी करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है यार, अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो फिर हम लोग निकल गए अपने घर से बस स्टॉप तक जाने के लिए, क्योंकि जहाँ पर हमारी बस आएगी वहीं पर ही हमें जाना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और धीरे धीरे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है और रात के 8 या 9 बजे हमारी बस चलेगी। हाँ मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लेट है, लेकिन हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर का रास्ता है। तो हमें जल्दी, हम लोग यहाँ से निकल गए थे कम से कम 4 बजे निकल गए थे और अब हम लोग जो है कम से कम 5-6 बज रहे होंगे या 7 बज रहे होंगे, हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम लोग अपने बस स्टॉप पर पहुंच चुके हैं और ये रहे अपने सारे के सारे भाई जो कि हम लोग जा रहे हैं साथ मिलकर। फाइनली अब थोड़ी देर बाद हमारी बस भी आ जाएगी। गाइस ये हैं अरविंद भाई, मेरा मत बनाया तो बहुत ज़्यादा शर्मा रहे हैं। ये हमारे रान भाई, बड़े भाई। हाँ बड़े भाई। ओके गाइज, यहाँ से हमारी बस आ चुकी है। अब बस यहाँ पर से हमें एक काम करना है, सारे का सारा सामान अंदर लोड करवाना है। और हमारा सारे का सामान देख सकते हो धीरे धीरे करके अपने सारे भाई रखवा रहे हैं, और बस थोड़ी देर वेट करना है और इसके बाद हम लोग चलेंगे ऊपर की साइड में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बस है। ओके, तो सारा का सारा सामान हम लोगों ने रखवा दिया है, अब चलते हैं ऊपर की साइड और आप लोग देखना ये बस आप लोगों को कैसी लगी। वैसे बहुत बंदे यार कह रहे थे कि यहाँ पर वॉशरूम वगैरह भी होता है, लेकिन इसमें हमें देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो मैं तो बैठ चुका हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा झटके मिल रहे थे जिससे मैं बोल भी नहीं पा रहा था। तो भाई यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो मैंने कितनी बार ट्राई करा बोलने का, लेकिन नहीं बोल पाया, बहुत ही ज़्यादा झटके हो रहे थे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हमें देख सकते हो कितनी बढ़िया वाइब आ रही थी। 8-9 बजे तक ऐसे ही था, जैसे ही 10-11 बजे भाई ये पूरी की पूरी लाइट्स ऑफ हो गई थी सोने के लिए, जिस बंदे को सोना है भाई वो सो सकता है। तो यहाँ से लाइट्स ऑफ हो गई थी और यहाँ पर आप लोगों को फ्री वाईफाई कुछ भी नहीं मिलता है, बस चार्जिंग पॉइंट मिलता है जिससे आप लोग चार्ज कर सकते हो। और नाइट में आप लोग अगर जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वाइब देखने को मिलती है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम लोग थोड़ी देर के लिए उठे थे जहाँ पर हमारी बस रुकी थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कोई बढ़िया सी जगह लग रही थी, लेकिन यार हम लोगों ने यहाँ पर अपना खाना वगैरह करा। ये हमारी 10-11 बजे रुकी थी बस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हम लोग फाइनली अपने यहाँ पर से मनाली पहुँच गए थे और अपने यहाँ पर से होटल के अंदर भी आ गए थे। मैं आप लोगों को पूरी की पूरी चीज़ दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर से देखने को मिली थी। तो होटल का रिसेप्शन कुछ इस टाइप से था जैसा कि आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। एंड यहाँ पर से आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि ये हमारा रूम है। वैसे यार मैंने जो है ना ये रूम मतलब 3 दिन बाद का शूट किया है, तो आप लोग मत समझना कि हमें ऐसा रूम मिला था। 3 दिन बाद शूट किया था मैंने, जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे जब मैंने शूट किया था। और फाइनली ये हमारा फर्स्ट डे का लुक था जैसा कि आप लोग देख सकते हो। हाँ मुझे पता है इतना बढ़िया लुक नहीं है, लेकिन यार हम लोग जा रहे थे यहाँ से अपने घूमने के लिए और ये रहे अपने सारे के सारे भाई भाई जो कि रेडी हो चुके हैं और यहाँ से हम लोग निकलेंगे। आप लोग व्यू देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मतलब अलग ही लेवल का व्यू है।
वैसे यार एक चीज़ और मैंने यहाँ पर से देखी थी, वो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये क्या चीज़ है, आप लोग कमेंट करके बताना, बाकी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने क्या चीज़ देखी थी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो व्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो जो चीज़ मैंने देखी थी भाई वो ये है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड में, मुझे पता है कि ये क्या चीज़ है, आप लोग कमेंट करके बताना इसका नाम क्या है। सो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो कि हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और आप लोग गलियाँ वलियाँ देख सकते हो यहाँ से मनाली की, जैसा कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। वैसे यार अभी जो है ना ऐसा फील हो रहा है कि देखो सामने की साइड में पहाड़ वगैरह सब कुछ नज़र आ रहा है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट डे है। वैसे यार मुझे कमेंट करके बताना कि अब हमें और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट डे है, स्नोफॉल है या नहीं है सब कुछ बताऊँगा। तो यार आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, सेकंड डे में बताऊंगा आप लोगों को हमने क्या किया था। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।